हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हो गए, है ना। और आज हम क्लास सेवन्थ की साइंस पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा हीट, काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको रियली काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप इस चैप्टर को पढ़ के। मेरे को काफ़ी अच्छा चैप्टर लगता है हीट, है ना। इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री के अंदर आता है, है ना। साइंस के तीन पार्ट होते हैं ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, तो एक केमिस्ट्री में काउंट होता है हीट। तो लास्ट वीडियो तक हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बोथ चैप्टर्स कंप्लीटेड इन लास्ट वीडियोस। लास्ट वीडियो तक मैंने आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, पूरा असाइनमेंट भी दे दिया है। असाइनमेंट के साथ लास्ट वीडियो में तो मैंने असाइनमेंट के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, है ना। जिसने नहीं देखा हो तो अभी जाके देख लेना, तो बहुत अच्छी बात है। और आज हमारा न्यू चैप्टर है और चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया हीट। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूँ जिससे आपको ईजिली इस जो लेटर्स हैं वो स्क्रीन पर थोड़े से बड़े दिखें, है ना। अब ठीक है, देखो, ओके, अब आई थिंक आपको बड़े दिख रहे होंगे थोड़े, ओके। तो क्या है, इट इज़ फ्रॉम अवर डे टू डे ऑब्जर्वेशन दैट इन विंटर वी फील कोल्ड, वेयर इज समर वी फील हॉट। देखो इसका मीन्स सबसे पहले समझते हैं हीट क्या है, ओके। तो हीट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी, हीट क्या है। देखो अगर हीट की बात करी जाए तो हिंदी में ऊष्मा बोला जाता है स्टूडेंट्स से, लेकिन हमें ऊष्मा से या हीट से कोई वो तो है नहीं, हिंदी में हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए हीट क्या है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म है हीट, है ना। जनरली आप देखते होंगे जहाँ भी कोई चीज़ जल रही है, जैसे कोई बर्न हो रहा है ना, कोई चीज़ बर्निंग हुई या फिर फायर हुआ कहीं, तो वह हमेशा हीट है। जैसे हम सिंपली एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सन रेज़ का, ओके, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, सिंपली एग्ज़ाम्पल ले लिया सन, ओके। अब मैंने सन ले लिया तो आपको पता है सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन जो है हमारा नेचुरल सोर्स है लाइट का और हीट का भी। हीट भी तो आती है, लाइट तो आती आती, हीट भी तो आती है। ऐसे तो आप खाना पकाते हैं तो वहाँ लाइट भी होती है, रोशनी करती है ना, जब गैस जलती है या फिर जैसे भी आप खाना बनाते हैं तो रोशनी तो होती है, तो लाइट तो है ही वहाँ, एज वेल एज़ हीट भी है। ऐसे ही दोनों साथ साथ चलती हैं, लाइट एंड हीट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो फिलहाल हमारा लाइट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, सिंपली हमें हीट को डिस्कस करना है। तो हीट क्या है, तो सन रेज जो आती हैं, सन से क्या आती हैं, रेज, है ना। अब रेज क्या, अब आप देखेंगे अभी गर्मियों का टाइम है ना, समर सीज़न चल रहा है, आप बाहर निकल के देखो सुबह 8, 8:30, 9, 10 बजे के आसपास, देखो कितनी बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लग जाती है, और जिससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जिसके कारण हमें क्या लगता है, हमें हॉटनेस फील होती है, यानी गर्म फील होता है, गर्मी फील होने लग जाती है कि आज गर्मी बहुत पड़ रही है ना। तो ये वही है हीट, उसी को हम हीट बोलते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा कि अगर ऑब्जर्वेशन करके देखो, ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा, अगर विंटर का टाइम हो, है ना, विंटर का, तो वी फील कोल्ड, हमें कैसा महसूस होता है, कोल्ड महसूस होता है, कोल्ड, ठंडा महसूस होता है। तो हम गर्म कपड़े पहनने लग जाते हैं, स्वेटर पहनेंगे, एज वेल एज अलग अलग कपड़े पहनेंगे डिफरेंट टाइप्स के, जिससे हमें सर्दी ना लगे। वहीं अभी समर सीज़न चल रहा है, तो आपको पता हो क्या अभी आप स्वेटर पहन रहे हैं, हैं क्या अभी आप क्या कहते हैं कंबल ओढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब तो आप एसीज चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, फ़ैन चला रहे हैं, है ना, क्यों, हमें गर्मी लग रही है, है ना। तो ये सीज़न, तो वहाँ से हमें अब हमें क्या फील होने लगी, हॉटनेस फील होने लगी, हॉटनेस फील होने लगी। तो हॉटनेस किसका पार्ट है, हीट का पार्ट है, ओके। तो वेयर एज इन समर वी फील हॉट, पीपल अवॉइड गेटिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस ड्यूरिंग, ओके। तो हमें जब समर सीज़न यानी जो अभी चल रहा है, तो हमें कैसा फील होता है, हॉट फील होता है, ओके गाइस। तो हॉटनेस फील होने लग जाती है हमें, लेकिन आप देखेंगे जितने भी लोग हैं वो अवॉइड करते हैं बाहर जाना गर्मियों के टाइम में, ऑब्वियसली। वैसे हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा इधर उधर निकलते हैं, है ना, लेकिन गर्मियों का जब टाइम पीरियड आता है तो हम अवॉइड करते हैं, कहीं अभी धूप में नहीं जाना, या फिर सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। जो भी आपका काम है तो आप मॉर्निंग में उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हो, है ना, आप चाहते हो कि
अगर जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप चाहते हो कि मैं अगर जल्दी 5 बजे 6 बजे सुबह मॉर्निंग में निकल जाऊँगा तो मैं 2 से 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा, तो धूप भी नहीं लगेगी, है ना। और अगर वहीं अगर आप इवनिंग में डिसाइड करते हो, आप इवनिंग में डिसाइड करते हो 6 बजे के बाद, शाम को 6 से 7 बजे के बाद जाना पसंद करते हो कि अभी जाऊँगा तो ठीक रहेगा और थोड़ी धूप भी कम हो गई है तो ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हम जो दोपहर का टाइम है, जो बीच का जो वेरिएशन है, उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं जाना। क्यों? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट है बाहर, हॉटनेस बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, हो सकता है बॉडी प्रॉब्लम कर जाए ना, बॉडी प्रॉब्लम हो जाए, हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं वो अपने घरों से निकलना अवॉइड करते हैं समर सीज़न में, ओके, ड्यू टू कहना उस ड्यू टू एक्सेसिव हीट आउटसाइड, बिकॉज क्योंकि घर के बाहर, घर के अंदर हैं आप तो आपको इतनी धूप नहीं लग रही, लेकिन गर्मी लगेगी, लेकिन आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, फ़ैन भी हैं, है ना, कूलर है ही, और मोस्टली घरों में अब आजकल एसी भी हैं। तो व्हेन यू बॉइल वाटर इट बिकम्स हॉट, लेकिन जब अगर आप दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं, अगर आप पानी को गर्म करो, है ना, तो पानी को जैसे ही आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगा, तो क्या आप उसमें उंगली डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। अगर आप उसमें उंगली डालने की कोशिश करेंगे तो आपको हॉटनेस बहुत ज़्यादा फील होगी, आप तुरंत अपनी उंगली को बाहर निकाल लेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ जो हमारी बॉडी होती है वो कैसी होती है, कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, और छोटी से छोटी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हलचल होती है वो हमें तुरंत महसूस होती है, तुरंत हमारा ब्रेन तुरंत बता देता है कि ये हमारी चीज़ फेवर में है, नॉन फेवर में है, सारी चीज़ें हमारा ब्रेन तुरंत बताता है इस चीज़ को। अब जैसे आप उंगली उसमें डालेंगे तो आपको फील हुआ, जैसे आपको फील हुआ ब्रेन ने तुरंत कहा, क्या मैसेज दिया कि ये बिल्कुल आपकी बॉडी के लिए सही नहीं, तो आप तुरंत उंगली को बाहर निकाल लेते हो क्योंकि आपको गर्म फील हुआ, बहुत ज़्यादा जलन हो जाएगी, है ना। वहीं अगर वो पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाए तो आप उसमें उंगली डाल सकते, ईजीली डाल सकते हैं, ऑफकोर्स डाल सकते हैं, क्योंकि जब वो ठंडा हो गया, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, इतने ज़्यादा हीट नहीं है, इतना ज़्यादा हॉट नहीं है वो पानी, तो आप आराम से अपनी फिंगर को उसमें ईजिली डिप कर सकते हैं। तो ये क्या वेरिएशन नज़र आया आपको, हीट का आया ना। तो देखो यहाँ इसमें एक फिगर भी दे रखा है, उस फिगर में क्या बताया है कि इसने इस वेसल में पानी को गर्म किया था, तो वही वाला एग्जांपल जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ, है ना। तो ड्यूरिंग फीवर, अगर ऐसे ही बात करी जाए, जब हमें फीवर आ जाता है, वैसे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके, तो 37 डिग्री सेल्सियस से अगर थोड़ा सा भी पॉइंट में भी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, आपको फीवर आ जाएगा। फीवर आ जाएगा मींस, फीवर कोई वो नहीं है, फीवर का मींस आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है। किसकी वजह से हुआ, यानी आपको कोई ना कोई बीमारी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से फीवर हो गया। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो गई हो सकता है आपकी बॉडी में पेन हो रहा हो सकता है स्टमक पेन हो रहा हो सकता है हेडेक हो रहा हो। तो फीवर एक कॉमन सिम्टम्स है, ईजिली हो जाता है ना, जनरली हो जाता है, या कभी बहुत ज़्यादा धूप लग गई है, सर्दी लग गई है, इसकी वजह से भी आपको फीवर आ जाता है। तो ड्यूरिंग फीवर अवर बॉडी गेट्स हॉट, बट एज सून वी टेक मेडिसिन द बॉडी बिकम्स कूल। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी गर्म हो जाती है फीवर के टाइम, फीवर आ जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, हमारी बॉडी का चेकअप करता है, टेम्परेचर मेज़र करता है, देन आफ्टर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। जैसे ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, आप मेडिसिन लेते हैं टाइमली, तो 1 से 2 दिन में आपका फीवर सही हो जाता है और आप बेटर फील करने लगता। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो गया, पहले हाई हो गया था थोड़ा सा, फिर कैसा आ गया, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, कूल हो गया, तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे और भी एग्जांपल हीट के, देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप डेली लाइफ रूटीन से बहुत सारे एग्जांपल हीट के ले भी सकते हैं। अब ये नहीं है जो मैं ही पढ़ा रहा हूँ वही एग्जांपल आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉमन एग्जांपल हैं। ऐसे आइस मेल्ट्स व्हेन कैप्ट आउटसाइड बट रिमेन्स इन कोल्ड सॉलिड फॉर्म एज लॉन्ग एज कैप्ट इनसाइड द डीप फ्रीजर। देखो अगर आइस की बात करी जाए, है ना, बर्फ़ की, तो आपने देखा होगा कि अगर आप आइस पिघल रही है तो वो सिर्फ एक ही रीज़न पे पिघलेगी, अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होता है अपने नॉर्मल टेम्परेचर, तो आइस पिघलना शुरू कर देगी। अब जैसे ही आप आइस को फ्रीजर से बाहर निकालो, है ना, थोड़ी देर बाद जैसे आप बाहर निकालेंगे तो वो मेल्ट होने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी, पिघल जाएगी, पानी बनने लग जाएगा। बट लेकिन अगर आपको वही कोल्ड, मतलब वही ठंडी रखनी है, सॉलिड फॉर्म में रखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके फ्रीज़र में आपको दोबारा से उसको रखना पड़ेगा, तो उसका टेम्परेचर फिर से अपने उस वे पे आ जाएगा जिस टेम्परेचर पर आइस क्या हुई थी, फ्रीज़ हुई थी, और दोबारा से वो फ्रीज़ हो जाएगी और
फिर से नहीं पिघलेगी। तो ये वेरिएशन किसका आ रहा है, ये वेरिएशन आ रहा है हीट का। ये जितने भी जो फिनोमिनन हो रहे हैं ये सभी हीट की फॉर्म है। हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है ईजीली, है ना। आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करा रहा हूँ, सारी डिटेल इसमें आएंगी कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो चीज़ें आपने देखी जो मैंने अभी जितनी आपको बताई, ये सब किसकी वजह से हो रही है, सब टेम्परेचर है ना। क्या है, सब टेम्परेचर, इट इज़ ऑल ड्यू टू टेम्परेचर। उसने साफ बोला है लास्ट में, इट इज़ ऑल ड्यू टू टेम्परेचर, ये सब टेम्परेचर की वजह से है। ओके स्टूडेंट्स, अब टेम्परेचर ही क्या है, टेम्परेचर को ही देख लेते हैं। मैंने आपको हीट की डेफिनेशन बता दी ऑलरेडी, है ना, तो आप ऐसा मत इसमें दी नहीं, तो आप ऐसा नहीं करना, सर ने बताई नहीं, मैंने सिंपली बोला था हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। हीट क्या है, ऊष्मा क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है। अब एनर्जी आप सब जानते हैं ना, तो हम एनर्जी को बना सकते हो ना ही तोड़ सकते, बिगाड़ सकते, ये सब क्लास नाइन्थ में जब पढ़ोगे, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ हीट पढ़ोगे तो वहाँ सब चीज़ें मालूम पड़ेंगी कि हम हीट को नहीं तोड़ सकते ना ही बना सकते, ये सब कैसा है, नेचुरल है। ओके, बस लेकिन हम क्या कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या है, तो हीट भी क्या है, एक एनर्जी ही है। टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स, अ मेज़र ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिप्लाइड अपॉन इज नोन एज टेम्परेचर। देखो, अगर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा डिवाइस है, आप डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मापन जो टेम्परेचर को मापता है वो डिवाइस ही होता है ना, लेकिन अगर टेम्परेचर की सिंपली बात करें तो टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा मेज़रमेंट, किसका मेज़रमेंट, या तो हॉटनेस का या कोल्डनेस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसकी उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगा लेते हैं, है ना, हम लोग आइडेंटिफाई कर लें कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है या इस मटेरियल का टेम्परेचर कितना है, कोल्ड है हॉट है, अगर हम ये सब मेज़र कर लेते हैं तो इसी चीज़ को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेरी गुड, टेम्परेचर, वेरी गुड, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बोला जाता है, ईजिली है। ओके, मेज़र ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर यूजिंग थर्मोमीटर। लेकिन जब हम फीवर आ जाता है, सिर्फ हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में फीवर आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, डिवाइस का यूज़ करता है, जैसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली, थर्मोमीटर, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर बोलते हैं। ओके, वेरी गुड, थर्मोमीटर, वेरी गुड। तो हाई टेम्परेचर ड्यू टू बर्निंग ऑफ वुड, अब देखो, अब वो जो ऊपर आप देख रहे होंगे फिगर में कि बर्निंग ऑफ वुड हो रहा है ना, लकड़ियाँ जल रही हैं, तो लकड़ियाँ जब कॉमनली जल रही हैं तो आप देखेंगे क्या कि जब लकड़ियाँ जलती हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है, मैंने लड़कियाँ नहीं बोला है ना, कुछ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे कि सर आपने क्या बोला, लकड़ी बोला कि लड़की बोला, तो मैं वुड की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे हिंदी में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो तो आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं वर्ड को, है ना, वुड, हम लोग वुड की बात कर रहे हैं। जब वुड को जलाया जाता है तो उसमें एक्सेसिव लाइट एंड हीट दोनों ही प्रोड्यूस होती हैं, रोशनी भी तो होती है, तो लाइट एनर्जी हो गई, और ऊष्मा यानी आपको हॉटनेस फील होती है, तो उसमें हीट हो रही है, तो वो भी है, तो लाइट एंड हीट दोनों प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ सिर्फ हीट की बात कर रहे हैं। तो जब आप लकड़ियों को जलाते हो, वुड को जलाते हो, तो टेम्परेचर उसका कैसा हो जाता, हाई हो जाता, और जो वुड है वो जलने लग जाती है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग थ्री डिफरेंट यूनिट्स नेमली, तो अगर देखा जाए कॉमनली टेम्परेचर को हम तीन मेजरली यूनिट हैं उनकी, थ्री मेजरली यूनिट हैं। देखो उसने साफ कहा, इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग थ्री डिफरेंट यूनिट्स नेमली, मेनली टेम्परेचर को हम तीन यूनिट्स में मेज़र करते हैं, तीन यूनिट्स हैं, आप इजीली ये कह सकते हैं। तो सबसे पहला है डिग्री सेल्सियस, है ना, उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट, देन केल्विन। ओके, तो ये तीन है मोस्टली, आपने देखा होगा कि ये वाला जो वर्ड्स है जो सबसे पहले है डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमन, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है ना, सबसे ज़्यादा कौन सा, डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल देखते हो, तो न्यूज़ चैनल में क्या बताते हैं, आज दिल्ली का टेम्परेचर
होने वाला है, दो टेम्परेचर बताता है नॉर्मल, सॉरी एक तो बताएगा मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, एक बताएगा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर उसने बोला कि आज दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस आ गया ना पीछे, देखो डिग्री सेल्सियस यानी मिनिमम इतना रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है मिनिमम कभी भी हो सकता है रात के 1 बजे हो, रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, इतना ही टेम्परेचर हो जाता है रात के टाइम, है ना। लेकिन उसने बोला कि मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है 47 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 से 47 डिग्री सेल्सियस एक्सेसिव टेम्परेचर, इतना जा सकता है। गर्मियों का टाइम है तो ईजिली जाएगा, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है स्टूडेंट्स, है ना। तो आपको समझ में आया, तो डिग्री सेल्सियस कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इट इज़ डिनोटेड एज डिग्री कैपिटल सी एंड रीड एज डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस। आप सिंपली सेल्सियस भी बोल सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, है ना। डिनोशन किसका है, डिग्री, एक डिग्री बनानी ऊपर की तरफ और सी लिख देना है, तो ये इसका डिनोमिनेशन हो जाता है ना। फॉर इंस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस विल बी रीड एज 20 डिग्री सेल्सियस। देखो उसने बोला है, एक एग्जांपल बताया ये क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इसे कैसे पढ़ना है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है, कहीं दिख रहा है, तो अरे अब तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा है। आप देखेंगे कि हमारे घर में ही क्या कहते हैं, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियाँ आ रही हैं, दीवार घड़ी आ रही हैं, तो आप देखें इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, उसमें डेट भी आएगी, डे भी आएगा, टाइम भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा। तो वो टेम्परेचर कौन सा शो कर रहा था, रूम टेम्परेचर, ध्यान रखना। वो टेम्परेचर आपके सिटी का या बाहर आपकी लोकेलिटी का शो नहीं कर रहा है, है ना। वो सिर्फ रूम टेम्परेचर बता रहा है, उस कमरे में गर्मी कितनी है, जो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं वो सिर्फ उसी रूम के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, है ना। अब ये नहीं है कि आपके उस रूम का टेम्परेचर तो इतना है, मान के चलो आपका रूम का टेम्परेचर है 35 डिग्री दिखा रहा है वो, और आप बाहर वाले रूम में चले गए तो वहाँ दिखा रहा है, वहाँ आपने अपने मोबाइल में देखा कि जैसे भी देखा है ना, वहाँ आपने चेक किया तो वहाँ दिखा रहा है 32। तो आप कहेंगे अरे मेरे अंदर वाले कमरे में 35 दिखा रहा है, बाहर वाले में 32 दिखा रहा है। इट्स नॉट अ फॉल्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज जहाँ आपकी वॉच लगी है वो सिर्फ उसी रूम का टेम्परेचर शो करा रही है, ओके। तो आपको समझ में आया डिग्री सेल्सियस क्या है, मेज़रमेंट है, मतलब हम यूनिट्स है, किसकी यूनिट्स है, टेम्परेचर की यूनिट है। मेनली कितनी यूनिट है, 3 यूनिट हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ओके। दूसरी बात करते हैं, सेकंड डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज़ डिनोटेड एज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रीज एट डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर किसी का टेम्परेचर दे रखा 25 डिग्री F लिखा है, तो आप उसे कैसे पढ़ोगे, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट ईजिली, ओके। केल्विन को कैसे, इट इज़ डिनोटेड एज कैपिटल K, फॉर इंस्टेंस अगर 100K लिखा हुआ तो आप कैसे पढ़ोगे, 100 या 100 केल्विन। टेम्परेचर कैन बी सेंस्ड बाय टचिंग बट वी कांट रिप्लाई अपॉन इट। देखो टेम्परेचर को हम सेंस तो कर सकते हैं टच करके, गर्म है, ठंडा है, कैसा है, है ना, एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हम ये रिलाई नहीं कर सकते कि मेनली टेम्परेचर कितना होगा। देयरफोर अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर इज यूज टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, है ना। इसलिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है और उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। अब जैसे हमारी बॉडी में फीवर आ जाए, हमें फीवर आ जाए, है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मम्मी या पापा देखना मेरी बॉडी बड़ी गर्म, जो शरीर है मेरा काफ़ी ज़्यादा तप रहा है, गर्म हो गया क्या, देखना मुझे फीवर आ गया। जैसे हम अपना हाथ धोने दिखाते हैं तो पापा जी उसे चेक करते हैं, मम्मा चेक करती है, जिसे भी आप दिखाते हैं वो चेक करते हैं, तो वो तो कैसे कहते हैं, हाय तो बहुत गर्म हो रहा है, बुखार आ रहा है तुझे, हैं बुखार आ रहा है गरम। तो क्या उन्होंने सिर्फ यही तो बोला कि फीवर आ रहा है, उन्होंने ये तो बोला नहीं कि अरे वाह तो तेरे को तो बुखार आ रहा है, कितना बुखार आ रहा है, 105 आ रहा है, 104 आ रहा है, 103 आ रहा है, ऐसे बोलते हैं क्या? नो, ऐसा नहीं बोलते। फिर वो क्या करेंगे, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर क्या एक डिवाइस यूज़ करेगा, क्या यूज़ करेगा, डिवाइस, है ना, उसे यूज़ करके आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर लेगा। फिर कहेगा डॉक्टर कि बेटा आपको तो फीवर कितना है, 101 है या 102 है, है ना। अभी 101 और 102 वाला जो केस है इसको मैं आपको जल्दी बता, ओके स्टूडेंट्स। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, एक डिवाइस का यूज़ करता है, बॉडी से क्या कहते हैं आपके मेज़र कर लेगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर, और इजीली वो आपको बता देगा कि बेटा आपको फीवर आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्दर जब चैप्टर आगे बढ़ता चलेगा, है ना, तो टेम्परेचर में जो
कैल्विन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जो उसकी मेज़रमेंट यूनिट हैं, है ना, उसका एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले का भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो सारी चीज़ें धीमे धीमे पढ़ने वाले हैं, ओके। तो इतना जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, ये आपको थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा, है ना। एक चीज़ और मैं बता दूँ, वो ये सेकेंड वीडियो हो गई है मेरी अभी आज ही में, ड्यू टू कंडीशन एक ऐसी रही कि अचानक से फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई और क्या कहते हैं वो वीडियो सेव हो गई, तो उसमें एडिटिंग मैं नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को अलग से एक बनानी पड़ी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, आप दोनों वीडियो को ही एक साथ देख लेना, ओके। तो फर्दर अलग अलग पार्ट है, पार्ट वन ही है, ये पार्ट वन है, पार्ट वन ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें मैंने एडिशन कर दिया, ओके। हाँ, थर्मोमीटर में क्या है, थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर पढ़ लेते हैं। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेज़र टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेज़र करता है, ओके। इट कैन बी यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फीवर। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, जब हमारी बॉडी में ड्यूरिंग क्या होता है, फीवर, यानी फीवर के टाइम पे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। नॉर्मली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा फीवर आ रहा है तभी, लेकिन कहते हैं ना ज़रूरत पड़ती है तभी तो करते हैं मेज़रमेंट। ऐसा तो है नहीं कि हम नॉर्मल है, मस्त हैप्पी हैं और एकदम से फिट एंड फाइन है तो हम मेज़रमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो इट कैन ऑल्सो बी used to measure the atmospheric temperature। इस थर्मोमीटर से आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को भी मेज़र करते हैं, ओके। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, वो भी इससे मेज़रमेंट हो जाता है। एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो केमिकल रिएक्शंस के जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं। इट कंजिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब अपियरिंग एज अ एक क्या होता है, एक लंबा सा कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस सिल्वर लाइन बिकॉज इसमें देखो, आपको देखो फोटोग्राफ दिख रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप देखो, पूरा आपको थर्मामीटर दिख रहा है जिसमें रीडिंग शो हो रही है। जो ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो पूरा मेड अप ऑफ ग्लास है, पूरा हाईली टॉप ग्लास से होता है। नीचे इसमें क्या कहते हैं, हेड है इसका, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है इसमें, जिससे बल्ब बोलते हैं इसका हेड होता है, जो मेटल की टिप लगी हुई है। इट इज़ फिल्ड विद मरकरी, इसमें मरकरी भरी होती है, मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, उस लिक्विड को इसमें भर देते हैं। रीडली एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर एंड अ बल्ब एट वन एंड, ओके। मरकरी इसके अंदर फिल होती है और वो आपके रीडिंग्स को शो कराती है, और जो इसका हेड है नीचे की तरफ उसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं बच्चों, बल्ब। देखो उस डायग्राम को दोबारा मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये है, ओके, इसमें सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो ये इस ये जो पार्ट है ये वाला, इसे बोलेंगे हेड। क्या बोलेंगे, हेड। और इस पर जो मेटल टिप लग रही है इसी को बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं, बल्ब, ओके। और इसमें ये सभी रीडिंग्स हैं, ये सब आपको नंबर शो हो रहे होंगे। ये ग्लास की बनी है और इसके अंदर कौन सा मेटल भरा हुआ है, मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है, Hg, ओके। तो ये किसका हो गया, थर्मोमीटर का हो गया। अब बेसिकली थर्मोमीटर्स टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हैं थर्मोमीटर आपके, देखो, ठीक, ये है, शो हो रहे हैं, ओके। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की बात करी जाए तो थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर बेसिकली टू टाइप्स के ही होते हैं। अब ये तो डिजिटल और क्या कहते हैं ये सब अलग अलग कर दिया। वैसे जो अगर मैं बात करूँ थर्मोमीटर की, तो एक तो होता है आपका क्लिनिकल और एक होता है आपका लैबोरेटरी, दो ही होते हैं, है ना। अब उसमें से दो पार्ट अलग अलग कर दिए, एक मैक्सिमम मिनिमम कर दिया कि मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर, एक अलग से जोड़ दिया। डिजिटल आजकल चलता ही, आप देखते होंगे डिजिटल थर्मोमीटर आ गए आजकल, जिसमें कोई मरकरी का यूज़ नहीं होता है ना, तो डिजिटल भी आ गए। तो बेसिकली इसमें फोर पार्ट्स दिखा दिए मैं थर्मोमीटर के। वैसे देखा जाए अगर लास्ट टाइम तक, काफ़ी 8 से 10 साल पहले तक, तो ना डिजिटल था ना मैक्सिमम मिनिमम था, सिर्फ लैबोरेटरी क्लिनिकल को स्टडी किया जाता था, आज भी है। लेकिन अगर हमें चार दे रखे तो हम चारों को ही स्टडी करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, डिजिटल क्या है, लैबोरेटरी क्या है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या है, ओके स्टूडेंट्स। और सबसे पहले जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसको हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ओके। तो मैं आज सिर्फ इतना ही रखूँगा कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें फोर पार्ट्स देखें, क्लिनिकल, डिजिटल, लैबोरेटरी या मैक्सिमम मिनिमम। वन थिंग और, एक चीज़ और बच्चों,
अभी यहाँ तक पढ़ा दिया, इससे आगे कंटिन्यू चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे, ओके। और सॉरी फॉर दैट, माफ़ी चाहता हूँ कि गलती से क्या कहते हैं, वो वीडियो पॉज हो गई, सेव हो गई, मालूम नहीं पड़ा मेरे को क्या हो गया, इसलिए मेरे को ये एडिशन पार्ट थोड़ा बढ़ाना पड़ा। आप दोनों ही पार्ट को मर्ज करके देख लेना यूट्यूब चैनल पर, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों एक साथ शो करा देगा, ओके। तो एडिशन पार्ट हो गया ये, वीडियो पार्ट वन का ही एडिशन पार्ट है ये, है ना। तो मैंने आज यहाँ तक आपको कवर करा दिया, ओके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ना, और फ्रेंड्स के शेयर भी करना है। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना है, और पहली बार हमारे चैनल पे आओ तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, ओके, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, है ना। और मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहो। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया जाने से पहले, एक चीज़ और, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का NCERT चैप्टर का जो NCERT तो हम पढ़ ही रहे हैं, NCERT बुक का ही जो है, मेनली जो गवर्नमेंट NCERT है, उसकी PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, और जो मैं अभी आपको ई कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये ई कंटेंट भी मैं आज ऐड कर दूंगा, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, है ना। तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको इजीली मिल जाएगा कि सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ाने वाले हैं आगे, ओके गाइस। तब तक के लिए घर में रहो, सेफ रहो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।